चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और पाइए सारी नोटिफिकेशंस। हाँ जी मूवी लवर्स, आप आ चुके हैं देखने पंजाबी मूवी। लेटेस्ट अपडेट, इससे पहले बता दूं कि पूरे के पूरे इंडिया में दो बहुत छाए हुए हैं, एक है नेहा धूपिया, दूसरी है पंजाबी फिल्में। जहाँ दोस्तों पंजाबी फिल्में भी जमकर परफॉर्म कर रही है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, उसी तरह से नेहा धूपिया है जिन पे ट्रोल इस तरह से हो रहा है कि नेहा धूपिया अब मुझे लग रहा है अंडरग्राउंड जाने वाली है एक दो साल के लिए। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है और जिसका नाम है इक्को माइक। इसमें सतिंदर मेन लीडिंग रोल में और फीमेल लीडिंग रोल में आदिति। मूवी ने बॉक्स ऑफिस में धमाल करके रख दिया है। ये मूवी जितना एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म कर रही है। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि मूवी ने पहले दिन में ऑल ओवर इंडिया में 45 से 50 लाख का नेट कलेक्शन किया है और अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं पूरी की पूरी अपडेट दे दूँ क्या क्या मूवी की परफॉर्मेंस रही है कलेक्शन। मैं बता दूँ इस मूवी के साथ क्लैश मूवी की थी चल मेरा पूत 2, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। पहले ही दिन में उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इक्को माइक मूवी की बात करूँ तो पहले दिन में मूवी ने ऑल ओवर इंडिया में 73 लाख का कलेक्शन किया है, ओवरसीज़ में कलेक्शन किया है 81 लाख का, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले दिन में ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 1,54,00,000 का, जो कि एक सुपर डुपर हिट कलेक्शन है। सेकेंड डे की अगर मैं बात करूँ तो मूवी के लिए दूसरा दिन एक अच्छा रहा है। हालांकि आपको पता है कि कोरोना वायरस और कल के दिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला है, लेकिन हाँ मूवी ने कलेक्शन में इंक्रीज़ ही लिया है। दूसरे दिन में कहीं ना कहीं 75 लाख के आसपास का कलेक्शन है। टोटल कलेक्शन 1,48,00,000 इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में 2,64,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन। हालांकि अभी जब ऑफिशियल फिगर्स आएंगे दूसरे दिन के तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट डे यानी कि थर्ड डे। आज संडे है, हॉलीडे है, छुट्टी है। आज के दिन मूवी के कलेक्शन में हमें एक ज़बरदस्त इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस जो है ऑफ रहेंगे और कहीं ना कहीं लोग और बच्चे सिनेमा घरों की तरफ रुख करेंगे। अगर मूवी 85 लाख का कलेक्शन भी करती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 2,33,00,000 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करो तो मूवी लगभग 4 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कंप्लीट कर जाएगी। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मूवी इंडिया से ज़्यादा अच्छा कलेक्शन ओवरसीज़ में कर रही है, मैं आपको कल भी ये अपडेट दी थी। और इसी तरह से चल मेरा पूत जो मूवी है वो भी इंडिया से ज़्यादा अच्छा कलेक्शन ओवरसीज़ में कर रही है। उस मूवी का लगभग पहले वीकेंड का जो कलेक्शन है वो 6 करोड़ के आसपास, 6,50,00,000 से 7 करोड़ के आसपास रहने वाला है। वैसे आपको क्या कहना है इक्को माइक मूवी के बारे में, कलेक्शन के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।